चंडीगढ़ एमएमएस कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपी छात्रा पर वीडियो बनाने का दबाव बनाया गया था। आरोपी छात्रा के दोस्त उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जो है वो सनी और से पूछताछ यहां पर सनी से की जा रही है। ये बताया गया है कि दबाव बनाया जा रहा था छात्रा के ऊपर ये वीडियोस बनाने के लिए। गिरफ्तारी हुई है यहां पर, और इसी बीच में ये तमाम सवाल जवाब जब किए जा रहे हैं तो अहम खुलासे हुए हैं। लड़की के मोबाइल से चैट के कुछ हिस्से देखिए पुलिस ने यहां पर निकाले हैं, जिनसे ये स्पष्ट हो रहा है, जिनसे ये कहीं ना कहीं साबित होता है कि दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, पूछताछ जो है वो यहां पर की जा रही है। अब ये खुलासा हो रहा है कि किसी तरह का दबाव था, कौन बना रहा था दबाव, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो शुरुआती जांच हुई है और खासकर जो मोबाइल जब्त किए गए हैं तीनों आरोपियों के, उसमें चैट के कुछ ऐसे हिस्से मिले हैं जिसमें ये एक तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है। जो आरोपी लड़की है और सनी नाम का लड़का है जिसे शिमला से गिरफ्तार किया गया था, उसमें लड़का उस लड़की से कहता है कि तूने वीडियो क्यों नहीं बनाया जो लड़की बाथरूम में नहाने गई थी। तो लड़की कहती है कि मुझे किसी ने शायद देख लिया है, मैं डर गई हूँ। तो इस प्रकार की चैट कुछ सामने आई है, पुलिस को मिली है, जिससे ऐसा लग रहा है पुलिस को, जो सोर्सेज बता रहे हैं हमारे, कि ब्लैकमेल किया जा रहा था, कुछ प्रेशर था लड़की पर, जो जबरदस्ती वीडियो बनाने के लिए सनी और रंकत सिंह की तरफ से कहा जा रहा था। ये बात साबित हो चुकी है कि तीनों आरोपी तीनों आपस में जानते थे एक दूसरे को और पिछले 4 साल से टच में थे, संपर्क में थे। तो ये तथ्य सामने आया है कि ये ब्लैकमेल कर रहा था सनी, इस लड़की पर दबाव बनाता था वीडियो बनाने के लिए। जी, ये लंबे वक्त से अगर ये दबाव यहाँ पर बनाया जा रहा था, किसी तरह की शिकायत पहले नहीं की गई थी, ये बात पहुंचाने की कोशिश नहीं हुई थी क्या मनोज? जी बिल्कुल। देखिए, इसका पूरे मामले का पटाक्षेप तभी हुआ जब हॉस्टल में कुछ लड़कियों ने आरोपी लड़की को वीडियो बनाते हुए देखा, उसको पकड़ा गया और फिर जो अथॉरिटीज हैं यूनिवर्सिटी की, उनको इसकी जानकारी दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब लड़का लड़की एक दूसरे को 4 साल में से जानते थे, रिलेशन में थे, एक ही जगह के रहने वाले हैं, लड़की भी शिमला की रहने वाली है, तो क्या ये जो खेल है ये काफी लंबे अरसे से चल रहा था? और जो पुलिस बार बार कह रही है, मैनेजमेंट जो बार बार कह रहा है कि ये सिर्फ उसके खुद के वीडियो थे और किसी के नहीं थे, ये इस पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी के साथ।